दूसरा मुझे इंस्टाग्राम पे क्या लगता था कि उसको देख के हमें काफ़ी ज़्यादा जो अंदर जलन वाली फीलिंग होती है ना बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसका तो कितना अच्छा चल रहा है, मेरा तो बिल्कुल भी नहीं है, तो अब मैं लाइफ में क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्योंकि कुछ बताने वाला भी नहीं है। और इनको देखो कितना अच्छे पोस्ट आ रही हैं, कितने अच्छे ड्राइंग बना रहे हैं, और मेरे पे सिर्फ 3 लाइक्स आते हैं, इनके करोड़ों लाइक्स आते हैं, व्यूज़ आते हैं, तो ऐसा होता है। फिर दूसरा ये भी होता है कि टाइम जो होता है बहुत ही ज़्यादा इस पर चला जाता है, मतलब बोल लो कि पूरा आपका दिन इसी पर चला गया स्क्रोल करते हुए देखते हुए। तीसरा ये रहता है कि आपकी हेल्थ पर भी इफ़ेक्ट करते हैं, आँखों पर हम ज़्यादातर देखते रहो तो आँखें भी इससे कमज़ोर वगैरह होती है, पढ़ाई पे आपका ध्यान नहीं रखता, बाकी एक्टिविटीज़ में आपको कोई इंटरेस्ट भी नहीं रहता, ये भी एक सच बात है ना, तो सिंगिंग पे ना डांस पे ना एक्सरसाइज वगैरह, और जो आपको अपने नॉर्मल काम कर रहे हैं उस पर यूँ ही रहता है कि यार इंस्टाग्राम मिल जाए उसी पर मज़ा आ जाएंगे। और अभी के टाइम पर तो बच्चों और भी ज़्यादा कि भाई इंस्टाग्राम क्या है, वो भी एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा रहती है, तो ये चीज़ होती है जो फ़ायदेमंद बिल्कुल भी नहीं है। इसमें बस 3 ही फ़ायदा है, पहला फ़ायदा ये तो कि आप फेमस हो सकते हो, दूसरा ये कि आप मेहनत करोगे अच्छी वीडियोस बनाओगे तो आप इसको नॉलेज और अच्छी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, नॉलेज और कुछ अच्छा सीखने के लिए। तीसरा ये कि आपको इसमें आपके फ्रेंड्स मिल जाते हैं और आप उनसे बातें कर लेते हो, बस यही फ़र्क होता है। मेरा तो जैसा रहा वैसा, मैंने पूरी एक लॉन्ग वीडियो बनाई है, उसमें रहना है तो आप देखना।